हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड में हम होम मेनू जो है लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है। होम मेनू के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो इंसर्ट मेनू बार के ऑप्शंस के बारे में है। इंसर्ट मेनू बार में सबसे पहले आता है आपका कवर पेज। कवर पेज मतलब कि जैसे हम लोग बुक वगैरह बनाते हैं तो बुक का जो फर्स्ट पेज कवर पेज होता है, या फिर आपके प्रोजेक्ट या फिर कोई भी आप अगर स्नैपशॉट बनाते हैं तो उसके जो आपके फ्रंट में कुछ टाइटलिंग वगैरह करते हैं तो उसके स्टाइल आप मैनुअल बनाते हैं, तो मैनुअल बनाने के बजाय आप कवर पेज यूज किया कीजिए। कवर पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कवर पेज के डिज़ाइन यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि तो आपके ऑफिस में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप, जो भी डिजाइन आपको यहाँ पसंद आता है वो ले लीजिए आप। जैसे कि मैं इस डिजाइन को लेता हूँ तो आ गया। तो सबसे पहले डेट है तो डेट यहाँ से पिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ टुडे डाल दिया, आज का डेट आ गया। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पर लिख दिया मैंने अपना एडवांस एक्सल ट्रेनिंग। सब टाइटल यहाँ दे दीजिए, MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन विथ एक्शन, ये हो गया, डेट हो गया। इसके नीचे आप दे दीजिए जो भी है आपका कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नेम दे दिया मैंने IPT दिल्ली, कंपनी नेम हो गया। ये आपका कवर पेज। इस तरह से कवर पेज हम यूज करते हैं। कवर पेज आप यहाँ से यूज कीजिए। तो इस तरह से कवर पेज में क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें होती है थोड़ी सी अच्छी दिखती है और आपको आपके बुक वगैरह में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बने बनाए स्टाइल्स होते हैं जिसको आप असाइन करना है। तो आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। कभी कोई डेटा में से बीच में से आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, इक्वल AMD रैन राइट ओपन क्लोज एंटर मारा। अब मुझे यहाँ से ब्लैंक पेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ब्लैंक पेज कर दिया। तो क्या हुआ कि इनके बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया, फिर नीचे आपका डेटा आ गया, तो दोनों के बीच में स्लिप हो जाता है। या फिर आप इसको पेज ब्रेक भी कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। बताइए, आप तो ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर दिया ना आपने बीच में, तो या फिर ब्लैंक पेज इंसर्ट ना हो, इन दोनों अलग अलग पेज में आ जाए, यहाँ से पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। तो कवर पेज यूज कर सकते हैं, फिर डेटा के अंदर में आप अपने नया नया पेज ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं, या फिर आप पेज ब्रेक दो बीच के बीच में पेज ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो ये पेजेस के बारे में हमने सिखाया, जिसमें आपका जो कवर लेटर है वो कवर पेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसका यूज कर सकते हैं आप। या और भी बहुत सारे कवर पेज है, और यहाँ पे ऑफिस, अगर आप मोर कवर पेज चाहते हैं तो office.com के यहाँ पे जो है वो है, वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह कवर पेज वहां से उठा सकते हैं, तो कवर पेज वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोर फॉर, यहाँ से ये सारी चीज़ है, इसमें और भी चीज़ें होती है लेकिन इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास होना चाहिए। रिमूव कवर पेज, इसको चाहते हो हटा देना तो हट जाएगा, इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट हो जाएगा, रिमूव करना चाहे रिमूव हो जाएगा। और आपने कुछ अपना कवर पेज बनाया उसको सेट कर सकते हैं डायरेक्टरी के अंदर में, यहाँ से सेव एज डायरेक्टरी। तो कवर पेज, पेज और पेज ब्रेक के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है हमसे एडवांस एक्सेल की, या फिर एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, एमएस एक्सेस की, या MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन की, तो हमें कॉल कीजिए। हम लोग ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों देते हैं, और हमारे पास 3 डे फ्री डेमो ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी है। तो हमें कॉल कीजिए 8802579388 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।